मार्क यू 7 kg वॉशिंग मशीन में जो मॉडल नंबर है MQFA70D5G, इसमें अभी हमने देखा था ऑटो प्रोग्राम में क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं और इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे ये फंक्शन नहीं चलाना है, मैं इसको अपने हिसाब से मशीन को ऑपरेट करना चाहता हूं, तो वो भी तरीका आप इसमें अपना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं कोई सिलेक्शन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोसेस में। तो प्रोसेस में 4 ऑप्शन है, वॉश, रिंस, स्पिन और सोक। तो यहाँ पे 4 फंक्शन दिए हुए, तो मैं इसमें कोई भी फंक्शन को कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट कर पाऊंगा। तो मुझे मान लीजिए मुझे वॉशिंग भी करनी है, रिंस भी करनी है, स्पिन भी करनी है और सोकिंग भी करना है। तो सोकिंग करने के लिए टाइम कितना देना है वो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉश में भी टाइमिंग आ जाएगा लेकिन सोक कितनी देर का चाहिए वो आएगा, रिंस मुझे कितना चाहिए वो आएगा, 1 चाहिए कि 2 चाहिए कि 3 चाहिए, और स्पिन मुझे चाहिए, वो सब मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, वो ये बटन से करेंगे जिसमें सेट लिखा हुआ है। तो प्रोसेस का मैंने बटन दबाया तो स्पिन आ गया, अभी 4 आ गए इसमें, सोक, वॉश, रिंस, स्पिन। अब सोक के लिए लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसमें मुझे प्रोसेस थोड़ा फास्ट करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये लाइट जो है ना बंद हो जाती है, जब तक मैं इसको नहीं चेंज करूँगा तो वो डिफॉल्ट में वापस बंद हो जाएगी। तो मैं वापस दिखा देता हूँ, सोक 10 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट्स, 40, 50, 60, यानी कि आप इसमें 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक का सोक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 60 लगा दिया, यानी कि 1 घंटे का मैंने सोक कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए जो टाइमिंग हो गया, 2 घंटे का पूरा साइकिल आएगा, यानी कि 1 घंटे का सोकिंग रहेगा मशीन में। सोकिंग का मतलब क्या होता है कि जो गंदा कपड़ा रहता है उसको हम पानी में भिगो के छोड़ देते हैं जैसे बाल्टी में, उसी तरीके से इस मशीन में पानी लेने के बाद जब सर्फ इसमें डायल्यूट हो जाएगा, कपड़ा 1 घंटे तक उसमें डूबा रहेगा सर्फ के पानी में, तो वो 1 घंटे तक प्रोसेस रहेगा। ये मैंने इसको मैनुअल तरीके से लगाया। उसके बाद अलग, अब आगे क्या है, अगर मुझे इसमें सिर्फ वॉशिंग साइकिल करना है और स्पिन और रिंस नहीं करना, वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखेंगे लाइट चेंज हो रहा है, ये वॉश आ गया। उसके बाद यहाँ टाइमिंग सेट कर सकता हूँ मैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि मैं इसको 1 मिनट से लेके 20 मिनट तक बढ़ा सकता हूँ वॉश साइकिल को भी। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा नीचे, रिंस 2 हैं इसमें, 3, 4, यानी कि इसमें मैं रिंस 1 कर सकता हूँ, 2, 3, 4, यानी कि मैं 4 रिंस इसमें और ऐड कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको मैनुअल तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने इसमें क्या किया, 4 रिंस ऐड किए, यानी कि ये मशीन वॉश करेगी, एक बार पानी लेगी और फिर 4 बार पानी लेगी रिंस में। इस तरीके से मैं इसको अपने हिसाब से ऑपरेट भी कर सकता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ये है मैनुअल, जो इसके अलावा इस मशीन में दिए हुए हैं।